इसको आप ये कह सकते हैं पाथियां, इट्स पाथियां। इंग्लिश में अगर कहना हो तो इसको कह सकते हैं स्टाइलिश हैंड। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी हसन अली, वेलकम टू अनदर वीडियो। अभी के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज हम अपने घर नहीं हैं और ना ही अपने घर नाश्ता कर रहे हैं आज। मतलब इन भाई को तो आप जानते होंगे, हमारे कल के व्लॉग में आए हैं। तो बेसिकली आज हम अपने ननिहाल आए हुए हैं, उधर सुबह सुबह नाश्ता कर रहे हैं। अभी मैं आपको नाश्ते के सीन दिखाता हूँ, देसी नाश्ता। कभी आपने देसी नाश्ता देखा है? नहीं देखा, हम दिखाते हैं। ये सामने आमलेट है, ये गोश्त है, और ये नान है, और ये खीर है। ये पता नहीं देसी नाश्ता इसे कहते हैं जो भी, मगर भाई ये चीज़ देखने के काबिल है कि ये टपाल दानेदार का डब्बा है और इसमें अचार है। मतलब पाकिस्तानी वाम भाई हर चीज़ को इस्तेमाल करने का फन जानती है, तो सही है। वही बात निकली जिसका डर था कि सेब कितना लाल रंग का और कितना स्पेशल लग रहा है, मगर जब इसको खाया इतना ये फीका है, इतना फीका है कि मैं बता नहीं सकता। तो इधर से एक बात याद आ गई मुझे, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं बाहर से बड़े खूबसूरत होते हैं, मगर जब उनके साथ रहा जाता है, उनके साथ ताल्लुकात बनाए जाते हैं, फिर उनका पता लगता है कि वो कैसे हैं। तो ऊंची दुकान फीका पकवान। अच्छा मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ जो अक्सर जो खुली जगह होती है ना उधर गांव के जो लोग होते हैं वो लगाते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं लहसुन, लहसुन लहसुन लगा हुआ है, लहसुन यू नो, ये अक्सर आप मतलब लेने जाते होंगे। तो इसके साथ ये धनिया भी लगाया गया है, घर के लिए लगाया गया है। और अभी आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं दिखाने लगा, ये है इसको आप ये कह सकते हैं पाथियाँ, इट्स पाथियाँ। इंग्लिश में अगर कहना हो तो इसको कह सकते हैं स्टाइलिश हैंड। तो बड़ी एक काम की चीज़ है भाई ये भी, ये गैस का जब दौर नहीं था ना जब, तो ये चीज़ें इस्तेमाल होती थी, और इवन अभी भी पिंड इलाकों में अभी भी यही चीज़ इस्तेमाल होती है, ये बड़े शौक से खाते हैं। ऐसे मेरा मानना है कि मेरी बाइक जो है ना वो स्विक है, मगर आज हम वाकई मतलब स्विक पे जा रहे हैं। अभी हम डस्का की सरजमीन पर बैठे हुए हैं, तो जो मेरे कज़न थे उनको कुछ काम था, उन्होंने कुछ लेना था, तो वो तो चले गए बाज़ार। मैं कार पर बैठा हुआ था तो मुझे कार में बड़ी गर्मी लग रही थी। ये हमारी कार खड़ी है, ये तो बाहर का जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा है, कार में काफ़ी गर्मी और हीट थी। बैठे मैं एक बात सोच रहा था कि हसन साहब आपकी यूनिवर्सिटी के 3 मंथ रह गए हैं, मतलब 3 मंथ के बाद आप क्या काम करेंगे, आप कहाँ से पैसा कमाएंगे? थोड़ा सा ना अपनी फ्यूचर के मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे थे अभी बैठ के, क्योंकि बंदा जब अकेला होता है ना तो बंदा बहुत कुछ सोचता है, वो कुछ सोचता है जो बंदे ने कभी सोचा नहीं होता। सो तन्हाई में बंदा ज़्यादा सोचता है। तो हसन साहब 3 मंथ बाद आप भी रेडी रहें, कुछ काम वाम करना है, वरना वो क्या कहते हैं पंजाबी में, किसी ने कुड़ी वुड़ी नहीं देनी। एक किलो गोश्त करना। कुछ ऐसे हैं आफ्टर अ लॉट ऑफ जलालत, हम अभी घर आ चुके हैं। अब आई है नेचुरल ब्यूटी। तो अभी जो अभी का काम है वो ये है कि हमने अपना मोबाइल चार्ज भी करना है भाई, क्योंकि सुबह से यूज़ कर रहे हैं हम इसे, तो अभी चार्जिंग के बाद हम आपसे मिलते हैं। फाइनली 2 घंटे के वेट के बाद लंगर शरीफ आ चुका है, तो अभी हम इस पर टूटने लगे हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। है प्यारा लग रही हो बेहतर। ओके जी।